विद्यालय निरीक्षण के क्रम में भ्रष्टाचार का हुआ खुलासा और बीपीएससी शिक्षकों पर कहर है जारी। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूँ एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार में इन दिनों जहाँ भीषण लू और गर्मी पड़ रही है, जहाँ तमाम छात्रों को गर्मी से राहत देते हुए उन्हें पठन पाठन से वंचित किया गया है, साथ ही साथ शिक्षकों को गर्मी से राहत नहीं देते हुए उनके लिए प्रत्येक दिन विद्यालय आना अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं नए एसीएस के पदभार ग्रहण करते ही तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश देते हुए उनसे यह राय मांगी गई है कि 10 जून 2024 से विद्यालयों का समय सारणी आखिर क्या होगा, समय सारणी में परिवर्तन करते हुए कमी की जाएगी या फिर शिक्षकों को भी गर्मी की छुट्टी प्रदान की जाएगी, इस संबंध में सुझाव मांगे ही गए हैं। ऐसी भीषण गर्मी में शिक्षक बखूबी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए ससमय विद्यालय में आते हैं, चाहे छात्र विद्यालय में आए या फिर नहीं आए, जिस क्रम में कई शिक्षक बेहोश हो जाते हैं गर्मी की वजह से, गैर शैक्षणिक कार्यों के बोझ की वजह से, वहीं पर एक बार फिर से उनको बेहोश कर दिया जाता है विद्यालय का निरीक्षण करने वाले निरीक्षण कर्मी द्वारा। दोस्तों, ये बातें तो सुनने को बहुत दिनों से मिल रही थी कि विद्यालयों का निरीक्षण केके पाठक के आदेश पर ही शुरू की गई थी और विद्यालयों के निरीक्षण करने वाले तमाम कर्मी इस निरीक्षण का लाभ उठाते हुए इसे अपना रोजगार ही बना दिया था, जिसके कई प्रमाण भी मिले थे और संबंधित भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन केके पाठक के जाने के बाद दोस्तों विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, साथ ही साथ भ्रष्टाचार के साक्ष्य को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करें, अभी तक जिन्होंने हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन निरीक्षण कर्मियों ने निरीक्षण कार्य को अपना रोजगार बना लिया था, उन्होंने अपने रोजगार में बदलाव नहीं किया और इसका खुलासा तब हुआ जब बिहार के अररिया जिले में एक बीपीएम द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के क्रम में प्रधानाध्यापक से पैसों की मांग की गई। बार बार उन्हें पैसे नहीं देने पर कार्रवाई करने की बात कही गई और भीषण गर्मी भी पड़ रही थी और इस गर्मी में बार बार बीपीएम द्वारा पैसों की डिमांड सुनते ही उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को फीट आ गई और वो पूर्ण रूप से बेहोश हो गए। दोस्तों, यह मामला अररिया जिला का है और वह प्रखंड मध्य विद्यालय ठेकपुरा हरानीगंज का है, जहां से एक वीडियो वायरल हुए हैं और उसमें बीपीएम द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण के क्रम में ही प्रधानाध्यापक से पैसों की मांग की जा रही है। आखिर क्या कुछ हो रहा है उस विद्यालय में, जरा अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। क्या बोले हमको पैसा नहीं देता हमको, एक रुपया क्यों नहीं, क्यों बोले, क्यों बोले, मुझे बोले इसका कि पैसा मांगा है, बोले बोले पैसा मांगा है, नहीं नहीं छोड़ेंगे नहीं, इसको अंदर करवाना है, आप राय बोलिए हमसे, ठीक है सर, आपको सर जो करना है सर कर सकते हैं, आपको ऐसे दोस्तों, वीडियो में स्पष्ट है कि बीपीएम द्वारा
उस मध्य विद्यालय में निरीक्षण के क्रम में जाया जाता है और निरीक्षण के क्रम में भले ही कोई शिक्षक विलम्ब से आए होंगे या फिर शिक्षक द्वारा सुबह 7 बजे विद्यालय में प्रस्थान किया होगा, इस बात की चर्चा भी वीडियो में हो रही है। एक शिक्षक द्वारा बार बार ये बातें कही जा रही है कि 7 बजे की सहमति बन गई है, परंतु BPM द्वारा ये कहा जा रहा है कि VC में जो दिशा निर्देश दिया गया है हर हाल में उसी का पालन किया जाएगा। यानी नए ACS के पदभार ग्रहण करने के बाद ही पूरे बिहार के विद्यालयों का संचालन 4 घंटे कर दी गई है। अधिकतम शिक्षकों को 4 घंटे ही विद्यालय में रहना है। इसके संबंध में तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ACS द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया है कि विद्यालयों का संचालन क्या होगा, वह अपने स्तर से ही दिशा निर्देश जारी करे। इसी क्रम में आपने देखा कि मध्य विद्यालय ठेकपुरा रानीगंज में BPM द्वारा निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण के क्रम में ये बातें स्पष्ट हो रही है। उसी विद्यालय के एक शिक्षक द्वारा ये बातें कही जा रही है कि आप बार बार पैसे मांग रहे हैं और प्रधानाध्यापक पैसे नहीं दे रहे हैं, ये बातें आपने मुझे क्यों कही। साथ ही साथ एक शिक्षक द्वारा ये भी बातें कही जा रही है कि आपके द्वारा मानवता को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये बातें सुनने के बाद BPM द्वारा ये जवाब दी जा रही है कि हमारे द्वारा मानवता को ध्यान में रखा जा रहा है। दोस्तों, BPM के इस उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से BPM भ्रष्टाचार में संलिप्त है, क्योंकि वह खुलासे कर रहे हैं कि हम मानवता को भी ध्यान में रख के चलते हैं। यानी मानवता को ध्यान में तो रखा ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पल होते हैं जिस पर मानवता को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, उसके बदले में पैसे देने की जरूरत है। इन बिंदुओं से स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में निरीक्षण कर्मी BPM शामिल है और उनके द्वारा पैसों की मांग की गई है, और पैसों के मांग किए जाने के उपरांत ही उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक बेहोश हो चले हैं, जिसे आपने देखा कि वहां के शिक्षकों द्वारा होश में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बिहार के शिक्षा विभाग को निश्चित रूप से कलंकित करता है। देखना होगा कि अररिया जिला शिक्षा पदाधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, क्योंकि नए ACS के आने के बाद ही तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपनी शक्ति लौटा दी गई है। जहां पूर्व के ACS के पाठक द्वारा तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों की शक्तियों को समाप्त कर दी गई थी, जो भी निर्णय लिया जाता था राज्य स्तर से लिया जाता था, लेकिन नए ACS के आते ही तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपनी शक्ति लौटा दी गई है। और अब देखना होगा कि यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है, और जहां जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपनी शक्ति प्राप्त हो गई है, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कितने जल्द BPM के ऊपर कार्रवाई करते हैं और उन्हें सेवा से मुक्त करते हैं, क्योंकि यही मामला देखने को मिला था सिवान जिला के अंतर्गत, जिसका प्रमाण मिलते ही सिवान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उस BPM की सेवा ही समाप्त कर दी थी। वहीं दोस्तों, बिहार के BPSC शिक्षकों पर इन दिनों कहर जारी है। जहां एक तरफ माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में बिहार से बाहर के महिला अभ्यर्थियों को 60% अंक लाना किसी भी प्रकार के पात्रता परीक्षा के लिए अनिवार्य कर दी गई थी, उसके उपरांत पत्र जारी होते ही कई जिलों से कई शिक्षक सेवा से बाहर कर दिए गए हैं। वहीं औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक पत्र जारी करते हुए 9 शिक्षकों की एक सूची जारी की है, जो सभी के सभी शिक्षिका बिहार राज्य से बाहर की शिक्षिका है और वे सभी के सभी 6-8 में विभिन्न विषयों में बहाल है, परंतु उन्होंने पात्रता परीक्षा में 60% अंक नहीं प्राप्त की है। वहीं दोस्तों, BPSC शिक्षकों के ऊपर कहर के मामले में एक और खुलासा इस रूप में हुआ है कि सूचना के अधिकार के तहत बिहार लोक सेवा आयोग ने यह सूचना दी है। बिहार से बाहर के कुल 208 पुरुष अभ्यर्थी थे जिन्होंने दिव्यांग कोटि के आरक्षण का लाभ लिया है, वहीं 59 ऐसी महिला थी जिन्होंने दिव्यांग कोटि के आरक्षण का लाभ प्राप्त किया है। ऐसे में कुल दिव्यांग कोटि की ही बात कर ली जाए तो 267 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दिव्यांग कोटि से थे और बिहार से बाहर के वासी थे। उन्हें हर हाल में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना था और यह आरक्षण बिहार के वासियों को ही देना था। ऐसे में निश्चित रूप से 267 अभ्यर्थी सेवा मुक्त किए जाएंगे और इसका लाभ बिहार के वासियों को मिलेगा। आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह आरक्षण का लाभ BPSC TRE 1 के तहत अभ्यर्थियों ने प्राप्त की थी, और BPSC TRE 1 के तहत लगभग 350 ऐसे अभ्यर्थी थे जो बिहार के वासी थे और उन्होंने दिव्यांग कोटि का लाभ आरक्षण के रूप में प्राप्त किया था। ऐसे में निश्चित रूप से 267 अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की जाएगी और उसका लाभ बिहार के वासियों को मिलेगा। वहीं दोस्तों, BPSC द्वारा एक और सूचना उपलब्ध कराई गई है
कि सीनियर सेकेंडरी विषय इतिहास के अंतर्गत कुल 31 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने भाषा अर्हता में 9 अंक से कम अंक प्राप्त किए थे। यानी सिर्फ इतिहास विषय के अंतर्गत 31 ऐसे अभ्यर्थी थे जो भाषा अर्हता को प्राप्त नहीं कर पाए थे और बीपीएससी द्वारा ही भाषा अर्हता को बीपीएससी टीआरई 2 से समाप्त कर दिया गया था। ऐसे में सभी विषयों की अगर गणना की जाती है तो हजारों ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने भाषा अर्हता को पार नहीं किया था और उसके बावजूद भी आज बिहार में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। और इसके संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में भी केस चल रहे हैं और इस पर भी सुनवाई हुई है। बहुत ही जल्द इस पर भी फैसले आ जाएंगे और भाषा अर्हता के संबंध में भी कोई फैसला आता है तो निश्चित रूप से बीपीएससी टीआरई 2 भाषा अर्हता के रूप में भी प्रभावित होंगे, जहां एक तरफ बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए 60% अंक लाने के रूप में प्रभावित हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज के अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे और आप दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।